हो एड कॉम्पलीमेंट्स में भी हो सब्सिट्यूट में भी हो तो आप इनको एनेबल कर सकते हैं बट जो मेनली फोकस्ड होता है वो क्लोज मैच ही होता है जैसा कि इस कैंपेन में आप देख रहे हैं जस्ट क्लोज मैच में ही ऑटोमेटिक कैंपेन को चलाया गया है ताकि क्लोज मैच क्यूरीज को ही आ, जो है टारगेट किया जाए तो मेनली होता क्या है क्लोज मैच या लूज मैच या कंप्लीमेंट्स या सब्सटी ये टाइप्स ऑफ टारगेटिंग इन ऑटोमेटिक कैंपेन है अगर आप क्लोज मैच को एनेबल करते हो तो डैट मीन्स के अगर कस्टमर की जो सर्च क्यूरी है जो कि वो अमेजोन के सर्च बार में ऐड करता है इफ़ डैट क्यूरी इज क्लोजली मैचिंग योर प्रोडक्ट देन अमेजोन विल ट्रिगर योर ऐड आपका एड वहाँ पे शो होगा लेट से आपकी प्रोडक्ट है कॉफ़ी मशीन उसमें सर्च कर लेता मशीन फॉर कॉफ़ी या कॉफ़ी मशीन या बेस्ट कॉफ़ी मशीन आप कैट शो होगा बिकॉज अमेजोन को पता है कि क्लोजली मैच कर रहा है आपकी प्रोडक्ट से लूज मैच क्या होता है इफ़ यू आर गोइंग टू एनेबल लूज मैच कस्टमर सिर्फ कॉफ़ी भी सर्च करेगा तो आपका एड शो हो जाएगा आप बेच कॉफी मशीन रहे हो लेकिन कस्टमर अगर कॉफी भी सर्च करेगा जेनेरिक सी चीज सर्च करेगा तो भी आपका एड शो हो जाएगा आपको काफी इरेलीवेंट ट्रैफिक मिलेगी सब्सटीट्यूट में क्या होता है कि कस्टमर अगर आपके जो चीज आप बेच रहे हो सेम ब्रांड लाइक आपका ब्रांड है असाज और कॉफी मशीन बेच रहे हो दूसरा ब्रांड है उस्मान और वो भी कॉफी मशीन बेच रहा है कस्टमर सर्च करता है उस्मान कॉफी मशीन या या कोई अदर मशीन भी लेकिन है तो सेम तो वहाँ पे भी आप कैर शो कर देता है कस्टमर को ज्यादातर है कंप्लीमेंट्री टाइप ऑफ ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है जी कंप्लीमेंट्री टाइप ऑफ ऑटोमेटिक टारगेटिंग में कस्टमर अगर सर्च कर रहा है आपकी प्रोडक्ट्स के साथ कंप्लीमेंट्री कोई चीज से आप बेच रहे हो कॉफ़ी कॉफ़ी मशीन और कस्टमर सर्च कर रहा है फिल्टर्स तो भी आपका एड कर देता है कस्टमर सर्च कर रहा है कॉफी कप वो भी आपका एड शो कर देता है कम्प्लीमेंट्री में तो मेनली आपको ये होता है कि अमेजोन को लगता है कि आपकी प्रोडक्ट के साथ कम्प्लीमेंट्री जो भी चीज होती है कस्टमर अगर सर्च करेगा तो आपका एड शो कर देगा लूज मैच में जेनेरिक सा कोई आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कोई सर्च करेगा लाइक हमारे केस में कॉफ़ी मशीन की जगह काफ़ी सर्च हुआ तो भी एड शो हो जाएगा सब्सटीट्यूट्स में हमारे सिमिलर ब्रांड्स के सर्च रिजल्ट में या उनके प्रोडक्ट पेजेस पे हमारा ऐड शो होगा तो मोस्टली आपको क्लोज मैच को ही टारगेट करना होता है बिकॉज लूज मैच कम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट्स आपको बहुत ज़्यादा इनरेलीवेंट ट्रैफिक देते हैं और आपका बजट जो क्लोज़ मैच क्यूरिज पे यूटिलाइज होना चाहिए था वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाता सो so, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी अबाउट दीज फोर टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक टारगेटिंग सो आई थॉट टू एक्सप्लेन दैम इन सिंपल वर्ड्स तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा जजाक